कागजात क्लियर है, सही कागजात टोकन फाइल हर चीज हम आप लोगों को क्लियर देंगे, सही जी, रूट इसका बनवा के इसका एनओसी हर चीज मुकम्मल देंगे, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो है ना खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं एक और न्यू बस आप भाइयों के लिए लेकर आया हूँ। पहले आपको जो बस दिखाई थी मैंने वो भी डेवो बस थी और ये भी डेवो बस है। तो इसकी अगर हम बात करें मॉडल की तो ये मॉडल है 2007 और लाहौर का नंबर है प्यारे दोस्तों। और अगर इसकी इंजन की बात की जाए तो बिल्कुल स्टैंडर्ड पे इंजन है। अगर इसकी टायरों की बात की जाए तो बिल्कुल न्यू टायर हैं। बाकी इसको जो है ना बॉडी वाइज आप देख रहे होंगे कि ये बॉडी वाइज किस तरीके से है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत गाड़ी है। लेकिन दोस्तों एक बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप जब भी कोई सौदा करते हैं या कोई चीज़ किसी से लेते हैं तो उसकी अच्छे तरीके से तसल्ली होनी चाहिए और आप जो है ना स्क्रीन पर जो नंबर होते हैं उन पर रابطہ करके इनकी कागज़ कापी रूट वग़ैरह ये हर चीज़ जो है ना आप क्लियर करके फिर जो है ना आप ख़रीद सकते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है दोस्तों, मैं तो हूँ वीडियो बनाने वाला लेकिन इसकी जो पूरी मालूमात है ना वो होती है असल मालिकों के पास। तो आप जो स्क्रीन पे नंबर लगा हुआ है वो आप देख रहे होंगे, इस नंबर पे आप रابطہ करके जो है ना आप पूरी मालूमात जो है ना ले सकते हैं। और आपको बाहर का रिव्यू करवाते हैं, बाहर भी आप देख रहे होंगे डेवो बस है, बहुत ही ज़बरदस्त, और अंदर की कंडीशन जो है ये वो भी आप देख रहे हैं, लाइटें लगी हुई हैं, एलसीडी लगी हुई है और सीटें जो है ना इसकी बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त सीटें हैं। ये बस है तकरीबन मेरे ख्याल में 49 सीटर। अगर किस्तों की बात की जाए दोस्तों तो आप जो है ना किस्तों पे गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप किस्तों पर भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है आपका इलाका कौन सा है। अगर आप किसी नज़दीक इलाके के हैं तो ये गाड़ी आपको मेरे ख्याल में किस्तों पर भी मिल सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये किस्तों पर भी मिल सकती है। अगर इसकी दोस्तों डिमांड की बात की जाए तो डिमांड है इसकी 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए दोस्तों इसकी नकद पेमेंट है। और गाड़ी जो है ना गाड़ी का रिव्यू भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी आगे पीछे फ्रंट बैक ये शेडों और अंदर की जो कंडीशन है ये भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू गाड़ी तैयार हुई है। ये ऐसे लगता है जैसे 2023 मॉडल है, लेकिन ये मॉडल है 2007। उस्ताद जो है ना बैठे हुए हैं, उस्ताद से पूछते हैं कि ये मॉडल और इसकी क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले उस्ताद जी, क्या हाल है, ठीक हो? उस्ताद जी ये कितने सीटर गाड़ी है? ये 45 सीटर। इसकी डिमांड जो है ना मैंने 60 लाख रुपए दोस्तों को बता दी है। ये 2007 मॉडल लाहौर का नंबर। जी जी लाहौर का। और इंजन की इसकी क्या कंडीशन है? इंजन स्टैंडर्ड पे है। अच्छा गियर स्टैंडर्ड पे है। अच्छा सबका टायर है, ठीक है। अगर जो भी अपना भाई कॉन्टैक्ट कर सकता है, अगर पंजाब पंजाब में देंगे सही, ड्यू के ऊपर भी दे देंगे हम। सही है। अच्छा दोस्त कमेंट करते हैं कि ये गाड़ी जो है ना किस्तों पर भी मिल सकती है? गाड़ी किस्तों पे नहीं मिल सकती, किस्तों पे ये है कि अपनी पेमेंट लगवा के गाड़ी की पेमेंट हमें क्लियर कर देंगे। अच्छा आप ये जैसे भी होगा किस्तों पे ये खुद करवा सकते हैं। सही है, यानी किस्तों का तरीका कार ये है जी। अच्छा अगर ड्यू पे लेंगे तो ड्यू पे हम दे सकते हैं, ड्यू पे दे सकते हैं सिर्फ पंजाब पंजाब में, पंजाब में सही। और नकद पेमेंट जो है ना इसकी 60 लाख जी, नकद पेमेंट 60 लाख रुपए है। सही ठीक है। और अगर पंजाब में लेंगे तो ये किस्तों का तरीका कार पंजाब के हदूद तक है, पंजाब से बाहर किस्तों पे नहीं देंगे, ड्यू पे। ठीक है ड्यू पे दे देंगे, ड्यू पे मिल जाएगी, किस्तों पर नहीं मिलेगी। सही, इसमें कोई कमो पेश हो जाएगी? कमो पेश हो जाएगी, आएंगे मौके के ऊपर बैठ के थोड़ी बहुत लेस कर देंगे। सही, कौन से रूट पे चलती है गाड़ी? ये गाड़ी लाहौर मुल्तान चलती है। अच्छा लाहौर मुल्तान चलती है, सही। लाहौर मुल्तान में गाड़ी ये जो है ना, हमने ये लाहौर मुल्तान के लिए ही गाड़ी, हमारी आगे भी लाहौर मुल्तान चल रही है गाड़ी। सही ठीक है।
अब भी हमने आगे जो है ना, अच्छा ये गाड़ियाँ जो है ना आप ऐसे ही खरीद के ले आते हैं और आगे बेचते हैं? जी ऐसे। अच्छा ये जी माशाल्लाह, आप गाड़ी चेक कर सकते हैं। लाहौर का जो किराया है वो कितना ले रहे हैं आप? लाहौर का किराया इस टाइम 1500 रुपये। 1500 रुपये बॉर्डर पे। गियर हिस्सा सही, स्टैंडर्ड पे है सही, कोई आउटर नहीं लगा हुआ, कोई स्लीप नहीं लगा हुआ, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड पे सही। ये एक बार जो है ना बंदा तसल्ली कर ले तो फिर बाद में जो है ना परेशानी नहीं आती। कैसे उस्ताद जी? जी कागजात क्लियर है सही, कागजात टोकन फाइल हर चीज़ हम आप लोगों को क्लियर देंगे सही जी, रूट इसका बनवा के इसका NOC हर चीज़ मुकम्मल देंगे। ठीक हो गया। हमारी लाहौर के लिए न्यू खान स्टैंड से गाड़ी निकलती है। अच्छा, हमारा परमानेंट अड्डा यहीं पे है न्यू खान से। सही, न्यू खान से निकलते हुए फिर हम जाते हैं गाड़ी चौक, गाड़ी चौक से सीधा फिर लाहौर, लाहौर लाहौर सही। मोटरवे नहीं जाते, जिट रोड मोटरवे से भी जाते हैं, स्पेशल मोटरवे से भी जाते हैं सही। अगर हो तो नहीं तो फिर वापसी इधर से जाते हुए जीटी रोड से भी निकल के सही। अच्छा उस्ताद जी, ये दोस्त जो गाड़ियों के शौक़ रखते हैं वो गाड़ियां अगर ले लें तो इनका टाइम टेबल का क्या मसला होता है? टाइम मीन्स का मिल जाता है? टाइम मिल जाता है, टाइम आसानी से मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा सही, हर अड्डे से अड्डे वालों ने अड्डा लेना होता है अपना, वो टाइम उन्हें मिल जाता है, कोई सही इजीली टाइम मिलता है। अच्छा, लाहौर से ले लें, मुल्तान से ले लें, जिस रूट पे भी चलाना चाहते हैं सही, बावलपुर चलाना चाहते हैं मुल्तान से बावलपुर। अच्छा, ये आप भी तावन कर सकते हैं दोस्तों से अगर वो आपको? अच्छा तावन कर सकते हैं सही।